लटेरी जनपद सीईओ श्री उदय प्रताप सिंह ने लटेरी में अनेकों ग्राम पंचायत में विकास कार्य रुके होने की मीडिया के सवाल को लेकर अपने बयान में कई प्रकार की जानकारियां हमें दी हैं, जिनमें बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई सरकारी योजनाएं निरंतर चल रही थी, जिसमें रास्तों का ठीक करना और कुछ जो मात्र बरसात के दिनों में हो सकती है। अब इनमें ऐसे कार्य जो बरसात के कारण पूर्ण नहीं हो सकते थे या पूर्ण थे, ऐसे कार्यों को ऊपर से कुछ समय के लिए रोक दिया था, किंतु बारिश पूरी होने के बाद अब कई जनहित योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है और लटेरी के ग्रामीण क्षेत्रों में 1,335 प्रधानमंत्री आवास भी स्वीकृत हो चुके हैं। कई सड़क निर्माण हैं और स्वच्छता मिशन नल जल सुधार सिंचाई के तहत भी कई कार्य प्रस्तावित हो चुके हैं, जिनको लेकर ब्लॉक के उपयंत्रियों के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके साथ ही कई और कार्य हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाना है और नल जल योजना को जो लंबित शिकायतें हैं उनको दूर करके पूर्ण गुणवत्ता के साथ पेयजल व्यवस्था जल्द से जल्द ग्रामीणों को उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि आगामी 19 नवंबर को सिरोंज लटेरी क्षेत्र के विधायक श्री उमाकांता शर्मा दिव्यांगजनों के एक बड़े शिविर को आयोजित कर रहे हैं, जिसमें बाहर से डॉक्टरों की टीम आएगी और दिव्यांगजनों हेतु कई उपकरण वितरित करने का इंतजाम भी है, जिसमें जनपद सीईओ श्री उदय प्रताप सिंह ने आमजनों से मीडिया के अखबार व चैनल के माध्यम से यह अपील भी आमजन से की है कि क्षेत्र में जो दिव्यांगजन है वह अपने दिव्यांगता सर्टिफिकेट आदि के लिए शिविर में जरूर आकर जाँच कराए और शासन की योजनाओं का लाभ ले। बारिश के सीजन में शासन स्तर से खासतौर से मनरेगा की बात करें तो उन्होंने जो अनुमत और गैर अनुमत कार्य हैं जो प्रकार के कार्यों को क्लासिफाइड करते हुए अनुमत कार्यों की ही स्वीकृतियां जारी करने के लिए कहा गया था और उसी के अनुरूप काम हुआ, क्योंकि अपने यहाँ पहले से प्रगतिगत कार्य बहुत ज़्यादा थे और बारिश के सीजन में वहाँ कार्य करना संभव नहीं था, इसलिए अपने यहाँ कार्य की और कार्यों के विकास की गति थोड़ा सा धीमी गई। अब पूरी तरह से चूँकि नए आवास भी स्वीकृत हो गए हैं, हमारे यहाँ गौशालाएँ भी चल रही हैं और उनका भी संचालन ढंग से हो रहा है और एक जो निर्माणाधीन गौशाला है जो शहर के राखी है वो शीघ्र शायद इस महीने के अंत तक पूरा हो जाए। सर, लटेरी में भी गौशाला बनी है, उसमें अपना क्या योगदान रहा? क्योंकि वो नगरी क्षेत्र वास्तु क्षेत्र की जो बात करें माननीय विधायक महोदय के द्वारा उसका शुभारम्भ किया गया है, अभी उसमें कुछ कार्य होना शेष है, परंतु एक बहुत बड़ी सौगात है तब नगरी क्षेत्र को भी अपन जो निराश्रित गौवंश है उससे भी मुक्त कर पाए। सर, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए क्या क्या योजनाएं अब प्रस्तावित हैं इस टाइम पे? वर्तमान में जो सबसे जो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जिसके तहत लगातार आवास स्वीकृत होते जा रहे हैं। जैसे अभी वर्तमान में 1,335 नवीन आवासों की स्वीकृतियाँ जारी हुई, 250 PM जनमन के तहत स्वीकृतियाँ जारी हुई और एक PM जुगा योजना है जिसमें शहरीय समाज के अलावा जो अन्य जनजाति समाज है उनके लिए भी नवीन आवास शीघ्र कराने वाले। सर, एक आवास में ग्रामीण आवास में कितनी राशि स्वीकृत होती है? देखिए, इसमें पहले से जब योजना प्रारंभ से ही 1,20,000 रुपये 4 किस्तों के माध्यम से ग्राहक के खाते में दिए जाते हैं, साथ ही साथ 90 मानव दिवस का श्रम दिया जाता है, वो मनरेगा योजना। सम्मान निधि जो मिलती है उनको बढ़ा के 600 रुपये से 1,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जैसे इस बारे में कोई आदेश आ जाता है हम कल प्रभाव से लाएंगे। सर, कुछ निराश्रितों के लिए भी आप कुछ करने वाले हैं, कोई विकलांगता शिविर वगैरह कुछ ऐसी? बिल्कुल, आगामी बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया नसीम जी, अभी आगामी 19 तारीख को माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा के आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ दिव्यांगता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी क्षेत्र के दिव्यांग जन हैं वो जिनके कार्ड नहीं बने हैं तो कृपया करके वो इस कैंप में पधारें, सभी लोगों से संबंधित जो विशेषज्ञ आएंगे तो उनका जांच परीक्षा होगा और जो भी उनके आवश्यकता अनुसार उनके कार्य किए जाएंगे, और ऐसे भी लोग जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत पहले कम था और वो समझते कि नहीं हमारी दिव्यांगता ज़्यादा है तो वो अपने कार्ड को भी साथ में ले गया ताकि उनको नवीन आधारों पर उनकी दिव्यांगता का परीक्षण हो जाए। सर, एक अंतिम सवाल और है, सबसे ज़्यादा जो है सरकार जो है हमारी वो पेयजल व्यवस्था के ऊपर भी फोकस कर रही है, गांव-गांव में उन्होंने नल जल योजना चलाई है, तो कई जगह पर सर टंकियाँ निर्माण हो चुका है और कई जगह पर कनेक्शन भी हो गए हैं, लेकिन पानी का जल प्रदाय नहीं हो सका, कई जगह पर ऐसी शिकायतें आ रही हैं, क्या कुछ? क्योंकि ये केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर टेप वाटर पहुँचाने के तहत कार्य किया जा रहा है, जिसमें 2025 तक प्रत्येक घर में टोटी युक्त नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। अब जैसे आपने कहा कि कई इन्हें जो नल जल योजना है जो स्रोत को फेल हो जाने के कारण जहाँ पे पर्याप्त पानी नहीं है तो कुछ समय कारण वहाँ दिक्कत आ जाती थी,
और कहीं कहीं इसका विस्तारीकरण नहीं हो पाया नल जल योजना, वो तो वहाँ से भी शिकायत आती रहती। हालांकि मैं आपसे पूरे विश्वास से कहना चाहूँगा कि एंड ऑफ 2025 के अंत तक लटेरी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव में पेयजल योजना का विस्तार होगा और घर घर तक पानी पहुँचेगा। ठीक है सर।